Alright guys, how to set your own photo and custom photo in the widget in iPhone. As you can see, आप सभी चेकआउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यदि आप कस्टम यानी कि फेवरेट फोटो को ऐड करना चाहते हैं इन द विजिट, तो आप कैसे करेंगे? एक्चुअली गाइज, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप कोई विजिट यूज़ करते हैं, एक्चुअली गाइज जो आप विजिट यूज़ करते हैं फोटोज़ में, तो वहाँ पे जो फोटो होती है वो कोई कस्टम फोटो होती है, यानी कि जो आपकी फेवरेट फोटो नहीं होती है, जस्ट वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाती है, राइट? तो ऐसे में यदि आप अपनी फेवरेट फोटो को ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा वही आपको फॉलो करना है, आपको इस पर नहीं क्लिक करना है। ओके, नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इस तरीके से सबसे लास्ट में या फिर सेंटर में फोटोज़, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिलती है, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी क्लिक मत करें। जस्ट इस तरीके से यहाँ पे आपको एल्बम्स देखने को मिलती हैं, टैप ऑन दिस ऐड विजिट। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एल्बम्स करने के बाद अब आपको इसके ऊपर टैप ऑन करना है, यहाँ से आपको फेवरेट पे जाना है। अभी आप चेकआउट कर सकते हैं हमने कोई भी फेवरेट क्रिएट नहीं की है, तो अभी आपको एक फेवरेट एल्बम भी क्रिएट करनी है। उसके लिए आप उसको बैक करेंगे, बैक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे फोटोज एप्लीकेशन के ऊपर, एंड यहाँ पे जाने के बाद आप उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे जिस फोटो को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। अपनी फ़ोटो हो सकती है आपकी, राइट? तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल हम इस वाली फ़ोटो को ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शेयर के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से देखने को मिल जाती है ऐड टू एल्बम, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ऐड टू एल्बम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू एल्बम पर क्लिक करना है, न्यू एल्बम। अब आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से नेम टाइप करना है, चलो मैं यहाँ पर माई विजिट्स माई फ़ोन कुछ भी आप लिख सकते हैं, माई फ़ोटो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट? सेव कर दें। सेव करने के बाद अब आपकी फ़ोटो जो है ऐड हो चुकी है एल्बम में। अभी आप इसको बैक करेंगे, बैक करने के बाद अब आपको इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड अगेन करना है, सिंपली टैप ऑन दिस जो हमने क्रिएट की थी एल्बम। अब आपको क्लिक करना है फेवरेट्स पे। आप सभी चेकआउट करेंगे कि आपको यहाँ पे माई फ़ोटो करके जो है एक एल्बम देखने को मिल जाती है जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट की है। आप जो भी क्रिएट करेंगे, जो भी आप नेम उसको रखेंगे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जस्ट आप इतना ध्यान रखना है जो आप नेम वहाँ पे टाइप करेंगे वही आपको नेम यहाँ पे मिल जाएगा। मेक श्योर कर लेना कि जो भी आप यहाँ पे अपनी एल्बम का नेम रखना चाहते हैं वो इस तरीके से रखें ताकि आपको यहाँ पे फाइंड करने में ईजी रहे। फॉर एग्जाम्पल आप सभी चेकआउट कर सकते हैं, हमने रिसेंटली जो है माई फोटो करके फोटोज एप्लीकेशन के अंदर जाकर यहाँ पे एक एल्बम क्रिएट किया था, इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेस करेंगे आपकी जो फोटोज़ है यहाँ पे वो आ जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों आप जो अपनी कस्टम फोटो को ऑन फोटो को लगाएंगे, अब फॉर एग्जांपल के लिए आपको इस तरीके से इधर आना है तो यहाँ पे इसको ले जाके सेट कर सकते हैं इस तरीके से। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों ये वाकई में आपके लिए काम की चीज़ है। काफ़ी मुझे कॉमेंट्स आए कि भाई हम अपनी फ़ोटो को कैसे सेट करें, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आईफोन जो है पुट करता है, एक फ़ोटो सेलेक्ट करता है जो कि हमारी फेवरेट फ़ोटो नहीं होती है। तो ऐसे में आप अपनी कस्टम फोटो को आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। सो आई होप सो गाइस आप वीडियो को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की आईफोन से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।